नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नया दिन में। नेपाल में ये दूसरा दिन है, तो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी प्लान कर रहे हैं हम पशुपतिनाथ टेम्पल जाएंगे, जो कि ऐसे मतलब एज पर विकीपीडिया इट्स द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। बट हाँ, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है और जगह कैसा है। तो उसके बाद एक यहाँ पे स्तूपा है, तो वहाँ पे भी जाएंगे इसके बाद। तो प्लान तो अभी वह है, लेकिन क्या करना है अभी देखते हैं। यहाँ से टैक्सी लेंगे और पशुपतिनाथ टेम्पल जाएंगे। तो अभी सुबह सुबह थोड़ा धूप निकला है, अच्छा लग रहा है वेदर। लेकिन हाँ, यहाँ पे सही 18-19 डिग्री का टेम्परेचर है, तो बहुत सूदिंग टेम्परेचर है, तो अच्छा लग रहा है चलने में। तो ठीक है, स्टे ट्यून। तो अभी थमेल एरिया से जगह जा रहे हो तो 350-400 नेपाली रुपीज़ में आपको मिल जाता है पशुपतिनाथ के लिए एक कैब। तो यहाँ पे एक ऐप है पठाव करके, तो उसके थ्रू में आप बुक कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली टैक्सी जो जाते हैं पठाव में देख लो रेट कितना है, फिर लोकल टैक्सी उतना ही बोल दो तो हो सकता है। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ, मतलब सार्क का जो ऑफिस है उसी के सामने ही खड़ा हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। इंडिया का झंडा दिख रहा है, कहीं पे भी बाहर का कंट्री, कहीं पे भी नेपाल हो, जर्मनी हो, कहीं पे भी इंडिया का फ्लैग दिखता है तो बहुत अच्छा फील होता है ना। ये है सार्क का ऑफिस। आगे हम पशुपतिनाथ टेम्पल, तो यहाँ से वॉक करके जाना है अंदर, फिर उसके बाद शायद वहाँ से कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो मैं कुछ बाहर से जितना होगा उतना रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसा है आगे। ऐसा मतलब इंडिया जैसा टेम्पल दिख रहा है अभी बाहर से, लेकिन अंदर तो तिब्बतन स्टाइल टेम्पल है मैं जितना देखा था वीडियोज़ एंड फोटोज़ में। तो अभी जाते हैं अंदर, भगवान जी का दर्शन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में भी, नेपाल में भी। बाहर ऐसा है अपना पूरा शॉप्स, बस माला फाला पूरा फुल है यहाँ पे। सरोवर यहाँ पे हाथ धो के आ जाओ ये सब बोलते हैं, तो हाथ धोने जाओगे तो शायद कुछ चिपकाएंगे। यहाँ पे लोग रेड बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे लगता है। चारों ओर साड़ी देखो, कपड़े देखो, सब रेड ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा होगा उसको शुभ मानते होंगे, ऐसे हम उड़ीसा में भी ऐसा ही होता है ना, सब शुभ काम में रेड पहनते हैं, तो वैसे यहाँ पे होगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है जैसा इंडिया में होता है ना, सब जबरदस्ती का बेचने का चार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार पूछते हैं, अगर मना कर दे तो रहते हैं ऐसे, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, तो अच्छा लगता है। तो हो गया दर्शन, मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और पीछे उसका जस्ट मंदिर के पीछे ही मतलब सब सत्कार हो रहा है, सब दाह हो रहा है। और ये मंदिर मैं तो बाहर से आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है। ये मंदिर का एंट्री गेट है, चारों कितना सुंदर अभी इसके ऊपर यात्रा चलते देखते हैं।
तो अभी पशुपतिनाथ टेम्पल से निकल के हम लोग अभी भक्तपुर दरबार स्क्वायर जा रहे हैं। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 15 से 20 किलोमीटर। तो वहाँ से बस मिलता है और कैब भी मिलता है। कैब में कुछ 700-800 नेपाली रुपीज़ है, और अगर आप बस लोगे तो फिर 40 नेपाली रुपीज़ है। तो अभी यहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो मतलब वो एक हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो इसके बाद अभी जो जा रहे हैं यहाँ पे भक्तपुर दरबार स्क्वायर, वो भी हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। और ऐसे वहाँ पे काठमांडू दरबार स्क्वायर जैसा है, और यहाँ पे दूसरा दरबार स्क्वायर पटन दरबार स्क्वायर, वैसे भक्तपुर दरबार स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे दरबार स्क्वायर है, तो उसमें से एक है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। तो वहाँ पे जाके देखते हैं। ये बारात जा रहा है प्रोसेशन। बाजा बजता है तो नेपाली शादी होता है हिंदी गाने में। ये भक्तपुर का दरबार स्क्वायर आने के लिए ट्रैकिंग करने जैसा फील हो रहा है। रेडी रहो, ट्रैकिंग हो जाएगा, जरूरत नहीं तो पहाड़ चढ़ने के लिए। पहाड़ी चढ़ रहे हैं लग रहा है।
अभी हम लोग है भक्तपुर दरबार स्क्वायर, जैसे पटन दरबार स्क्वायर नेपाल ये काठमांडू दरबार स्क्वायर, ऐसे भक्तपुर भी एक दरबार स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 1934 में अर्थक्वेक आया था और उसके बाद 2015 में भी अर्थक्वेक आया था, तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ज़्यादा कुछ रिपेयर नहीं हुआ है। लेकिन जो 99 यहाँ पे ये था दरबार था, तो उसमें से अभी ओनली आई गेस कुछ 18 या 19 ही बचा है और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट हाँ, बहुत सुंदर है और अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो दरबार स्क्वायर है, इसको मल साम्राज्य जो होता है ना, मल किंगडम, उनके राजा ने बनाए थे, तो इसको मल स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर भी है और बहुत रूफटॉप रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो बहुत सुकून भरा जगह है। तो जब भी आप नेपाल आओ तो भक्तपुर दरबार स्क्वायर जरूर आना, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ। तो ये रूफटॉप रेस्टोरेंट एंड बार है और ये टेम्पल है, ये भी एक टेम्पल है। ओके, ये 55 विंडोज है यहाँ पे, ये मॉल पैलेस स्क्वायर पे, उसके जस्ट आगे आओगे तो ये आ जाएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, मतलब मैं जब से आया हूँ तब से बारिश ठंडे तक चालू है, बट बहुत सुंदर जगह है। Thank you.